हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है AEO ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो आज हम जानेंगे कि क्या है AEO और कस्टम्स का ये सर्टिफिकेट किस काम आता है और कितना यूजफुल है। तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो AEO इज ए ट्रेड फैसिलिटेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय WCO। WCO ने 2005 में एडॉप्ट किए थे सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, WCO ने एडॉप्ट किए थे सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड टू सिक्योर एंड फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। ये एक पार्टनरशिप प्रोग्राम था जिसमें कस्टम और बिजनेस एंटिटीज के बीच में पार्टनरशिप को दर्शाया गया, एक अच्छे रिलेशनशिप को दर्शाया गया। दिस प्रोग्राम अर्लियर नोन एज एक्रेडिटेड क्लाइंट प्रोग्राम। और इंडिया में AEO 23 अगस्त 2011 को इनकॉर्पोरेट हुआ, इनफोर्स हुआ। WTO के जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसका आर्टिकल 7.7 भी AEO सर्टिफिकेशन के बारे में बात करता है। हम इसकी बैकग्राउंड की अगर बात करें तो आपको ले जाना चाहूंगा थोड़ा पीछे, थोड़ा वन में 9/11 की घटना ने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया था। इसका इफेक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पूरी तरीके से पड़ा। हुआ क्या कि जब ये इफेक्ट किस तरीके से पड़ा, WCO ने 2001 में ये सेफ स्टैंडर्ड्स को एडॉप्ट किया और सेट किया नए प्रोटोकॉल्स जो कि कार्गो की सिक्योरिटी के लिए और ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए बनाए गए। इसमें कस्टम की रोल ये था कि वो चाहता था कि ट्रेड फैसिलिटेट रहे और सिक्योरिटी और सेफ्टी पे उसने ध्यान दिया। तो ये जो सेफ फ्रेमवर्क है इसके पिलर्स की अगर बात की जाए तो ये पार्टनरशिप, सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन की बात करता है। ये कंट्रीज की पार्टनरशिप की बात करता है, सिक्योरिटी में कार्गो की सिक्योरिटी की बात करता है और ऑथराइजेशन में, क्योंकि ये प्रोग्राम कस्टम द्वारा इनिशिएट किया गया है तो ये कस्टम्स का ऑथराइजेशन है। कस्टम आपको ऑथराइज करके एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जिसे हम AEO बोलते हैं। तो ये इसके 3 पिलर थे। और अगर इसकी और बात की जाए तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और फैसिलिटेशन पर भी जोर दिया गया। ये सेम सेफ फ्रेमवर्क जो है इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना चाहते थे और पूरी तरीके से इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल करने के लिए यूज़ करना चाहते थे, जितनी भी कंट्रीज WTO और WCO से अटैच्ड हैं। अब बात कर रही जाए अगर ऑब्जेक्टिव की कि AEO प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये इन्हेंस करते हैं और स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना सप्लाई चेन को, इंटरनेशनल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम है और फैसिलिटेट करें ये मूवमेंट ऑफ गुड्स को। तो आप अगर बात करें तो ये AEO जो स्कीम है ये स्टेक होल्डर, नेशनल सप्लाई चेन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कवर अप करके ये बनाया गया है, इसको ध्यान में रखा गया है। अब हम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल सप्लाई चेन में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। स्टेक होल्डर्स दोस्तों वो ऑर्गेनाइजेशन या वो पर्संस हैं जिनका कनेक्शन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस पूरे सिस्टम से। तो इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपोर्टर, वेयर हाउस ऑपरेटर, फ्रेट फॉरवर्डर, कैरियर टर्मिनल ऑपरेटर, कस्टम्स ब्रोकर, ये पूरी साइकिल सी बन जाती है इससे सप्लाई चेन। तो ये आपके स्टेक होल्डर्स हैं। इंडियन AEO प्रोग्राम की बात की जाए तो इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है। पहले पार्ट की अगर बात की जाए तो इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एंटिटीज हैं। वो एंटिटीज जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं उनको क्लासिफाई किया गया है T1, T2 और T3, यानी उन्हें 3 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, T1, T2 और T3। दोस्तों ये T1, T2 और T3 एक तरीके से ये सर्टिफिकेशन के ग्रेड हैं, जो उसमें से T3 जो है ये प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बिजनेस एंटिटीज को और T1 जो है वो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ये ग्रेडिंग जैसे ये T3 तक की ग्रेडिंग जो है ये ऑप्टिमम लेवल की ग्रेडिंग है और T1 जो है बेसिक ग्रेडिंग को बताता है। वहीं दूसरी तरफ जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं, कस्टम ब्रोकर्स हैं या आपके वेयर हाउस ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए जो सर्टिफिकेशन बनाया गया है उसे बोला गया है AEO-LO। तो टोटल 4 सर्टिफिकेट्स हो गए हैं। AEO-LO जो है वो स्पेसिफिक एंटिटीज के लिए है, जबकि T1, T2 और T3 जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटिटीज के लिए है।
यहाँ पर मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा, एक लेटेस्ट सर्कुलर है, सर्कुलर 13 कस्टम्स का, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले 1 अगस्त 2021 से, बहुत रेलिवेंट पॉइंट है, बड़ा ध्यान रखिएगा, 1 अगस्त 2021 से ये मैंडेटरी हो जाएगा कि T2 और T3 का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगा। पहले के सिनेरियो में सिर्फ T1 को फैसिलिटी ऑनलाइन की मिलती थी और T2 और T3 को फिजिकल ऑफिस में जा करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ते थे, बट 1 अगस्त से अब ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की, कि ये सर्टिफिकेट जो है ये वैलिड कब तक है। तो इसकी वैलिडिटी की अगर बात करूँ तो ये दो पार्ट्स में है, एक तो 3 ईयर्स की वैलिडिटी और दूसरी है 5 ईयर के लिए वैलिडिटी। जो T1 T2 सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड है, वहीं दूसरी तरफ 5 साल के लिए T3 और LO सर्टिफिकेट वैलिडिटी उनकी होती है। AEO की जो स्कीम है, इसका रिक्वायरमेंट, इसका जो क्राइटेरिया है, उसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसमें एक बिजनेस एंटिटी जिसने हैंडल कर रखी हो 25 शिपमेंट्स, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो या इंपोर्ट की हो, अगर उसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 25 शिपमेंटें हैंडल कर रखी हैं तो वो AEO के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ उसे कस्टम रिलेटेड वर्क में भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहा हो और वो इंटरनेशनल सप्लाई चेन का पार्ट हो। तो अगर ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो वो AEO के लिए एप्लीकेंट बन सकता है, AEO सर्टिफिकेट को लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात यह आ रही है कि क्या ये सर्टिफिकेट विड्रॉ भी किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आपने की एंटिटी ने कॉम्प्लायंसेस नहीं फॉलो किए या वो जो कॉम्प्लायंसेस कस्टम आपसे एक्सपेक्ट करता है इसके AEO सर्टिफिकेट के लिए वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं, नॉन कम्प्लायंसेस में आपको ये सर्टिफिकेट आपका विड्रॉ हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आप कस्टम ब्रोकर हैं या आप कस्टम ब्रोकर का आपका लाइसेंस है, उसे बेसिक लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, तो भी आपका ये सर्टिफिकेट सस्पेंड हो सकता है या विड्रॉल हो सकता है। इसमें एक डाउनग्रेडिंग के प्रोविजंस भी हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डाउनग्रेडिंग मतलब अगर आप T3 सर्टिफिकेट रखे हुए हैं और आपने कोई नॉन कम्प्लायंसेस किया, तो कस्टम अगर देखता है कि आपका रवैया सही नहीं है या आपने कुछ गलतियाँ कर रखी हैं, कुछ मिस्टेक्स आपकी डिलिब्रेटली हैं, तो वो आपके सर्टिफिकेट को T3 से T2 पे कर देगा, T2 से T1 पे कर देगा। तो डाउनग्रेडिंग मतलब कि आपका इस तरह वो डाउन कर देगा, ये भी प्रोविजन इसने कर रखे हैं। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की। दोस्तों इसके बेनिफिट्स तो कई हैं, बट मैंने यहाँ पर सिर्फ 5-6 मेन बेनिफिट्स को कवर किया है। पहला, ये उन बिजनेस एंटिटीज को जिनके पास AEO सर्टिफिकेट है उसे स्पीडी कस्टम क्लियरेंस देता है, उसको प्रायोरिटी देता है, उसे स्पीडी कस्टम क्लीयरेंस अरेंज कराता है। इसके अलावा रिड्यूस कर दिया जाता है या वेवर हो जाती है बैंक गारंटी, जो कस्टम को बैंक गारंटी दी जाती है उसको भी रिडक्शन कर दिया जाता है, ये भी एक तरीके का बेनिफिट है इसका। इसके बाद अगर बात करा जाए तो जो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास AEO सर्टिफिकेट होता है वो एक तरीके से उनके लिए एक ऑर्नामेंट का, एक आभूषण का काम करता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन पे लोग रिलाई जल्दी करते हैं, उस वो ट्रस्टवर्थी होती है, उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी मानी जाती है। तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट है आपके पास जो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा रहा है, आपकी ट्रस्टनेस को बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ चौथे पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ये प्रोविजंस हैं इसमें, ड्यूटी को भी आप डिफर कर सकते हैं, उसके भी प्रोविजंस हैं। तो एक तरीके से प्रिविलेज और प्रायोरिटी दे रहा है ये सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है ये सर्टिफिकेट, कि ये आपको कस्टम्स में कितनी प्रायोरिटी और कितनी प्रिविलेजेस दे रहा है। इसके बाद यदि कोई एंटिटी सर्टिफाइड कॉपीज दे देता है तो कस्टम उस पर भी रियलाइज कर लेता है, वो जानता है कि हाँ आप अच्छे जिम्मेदार एंटिटीज हो, आप सर्टिफाइड हो, तो आपसे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें ठीक से कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं प्रोवाइडेड एक चीज़ भी बता दूँ कि ये बेनिफिट्स तो ज़रूर है, बट कस्टम्स आप पे चेक जो है वो अपने बनाए रखता है, ये मत समझ लीजिएगा कि इसके बाद आप पे कोई चेकिंग नहीं रहेगी, चेकिंग पूरी रहती है, बट ये आप पे कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड करता रहता है। और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बताऊं तो रिफंड और रिबेट जो है वो बहुत जल्दी इसमें 30 दिनों के अंदर सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। कोई डिस्प्यूट अगर आपका है तो वो भी बहुत कम समय में जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, जबकि पहले बहुत लंबे लंबे टाइम तक ये खींचते थे, बट AEO की वजह से अब आपको जल्दी चीज़ें स्मूथली हो जाएंगी। अब मैं ये आपको एक स्पेसिमेन दिखा रहा हूँ, ये AEO सर्टिफिकेट इस तरीके से दिखता है, जिसमें सर्टिफिकेट नंबर होता है, आप यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाता है और ये बता दिया जाता है कि ये सर्टिफिकेट आपका इस डेट तक का वैलिड है, इस सर्टिफिकेट को आप अपना जो है रख सकते हैं, आप अपना
दिखा सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा इंडिया से अलग हट करके, क्योंकि हम लोग ग्लोबल ट्रेड प्रोफेशन में हैं तो हम वर्ल्ड वाइड सोचते हैं चीज़ों को। अभी तक मैंने जितनी चर्चा आपसे करी थी वो इंडियन AEO के बारे में थी। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दुबई कस्टम ने लॉन्च किया है ये प्रोग्राम। एक ये कटिंग मैंने यहाँ पर लगा रखी है जिसमें आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर इस कटिंग को आपको देखें तो सबसे बढ़िया पॉइंट जो लिख करके आ रहा है मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, द UAE हैज़ ऑफिशियली रोल्ड आउट इट ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम। तो दुबई ने इसमें जो है इसे किया, और ये WCO सेफ फ्रेमवर्क, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो जहाँ पर हर जगह पॉइंट आएगा WCO सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड, WCO सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये WCO सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स आपके जहन में आ जाए, आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सऊदी अरेबिया, AEO का प्रोग्राम सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर भी आप देखिए वही टर्मिनोलॉजी आ रही, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की बात हो रही है और WCO के सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड की बात हो रही है। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट की बात हो रही है और WCO के सेफ फ्रेमवर्क की बात हो रही है। तो कितनी मज़ेदार चीज़ें हैं, आप ग्लोबल ट्रेड में हैं, आप ऐसी चीज़ों में हैं कि आपको पूरी वर्ल्ड ट्रेड की अच्छी सी जानकारी हो रही है, आप कंट्री वाइज चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब ये मैंने आपके सामने चाइना का AEO सर्टिफिकेट रख दिया, अभी आपने इंडिया का देखा था, अब ये चाइना का AEO सर्टिफिकेट है। तो ये सर्टिफिकेट देखिए ना, तीन कंट्रियाँ मैंने आपको दिखा दी, इंडिया, चाइना, मैं और भी दिखा सकता हूँ बट सिर्फ समझाने वाली बात है। तो चाइना, दुबई, सऊदी अरेबिया, इंडिया, ये सब AEO को अप्लाई करते हैं, अपने सिस्टम पे फॉलो करते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो अप्रिशिएट कर दीजिए, लाइक